नमस्कार, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आज आपको बताने वाले हैं कि वनडे के इतिहास में जो आज तक का वनडे का इतिहास रहा है क्रिकेट का। आप सभी को पता है क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पर पर्डे रिकॉर्ड बनते रहते हैं और कोई नया खिलाड़ी आता है और पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। तो गाइस, यहाँ पे जो वनडे का इतिहास है पूरा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला स्कोर क्या है और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है वनडे में, वो भी पर्सनल स्कोर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर एक खिलाड़ी से, जिसका नाम है रोहित शर्मा। भारतीय टीम की धड़कन कही जाने वाले रोहित शर्मा यहाँ पे सबसे नंबर वन पे है। रोहित शर्मा ने यहाँ पे 173 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिस दौरान उन्होंने 9 छक्के 33 चौके लगाए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है मार्टिन गप्टिल का, जिन्होंने यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 163 गेंदों में 24 चौके 11 छक्के की मदद से 237 रन लगाए थे, वो भी नाबाद। उसके बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का, जो कि आप देखा होगा वीरेंद्र सहवाग को, वो आते ही छक्के चौके से स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको याद होगा 219 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहाँ पे 25 चौके लगाए थे, 7 छक्के लगाए थे, 149 गेंदों में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था। उसके बाद चौथे नंबर पे नाम आता है क्रिस गेल। यहाँ पे क्रिस गेल ने टोटल 215 रन बनाए हैं 147 गेंदों में, 16 छक्के और 10 चौके की मदद से जिम्बाब्वे के खिलाफ, काफ़ी छोटी टीम है जिम्बाब्वे, उसके खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद नंबर आता है फखर अजान का, ये दोस्तों पाकिस्तान के बैट्समैन है। इन्होंने यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ 156 गेंदों में 5 छक्के 24 चौके की मदद से 210 रन बनाए थे, नाबाद। इसके बाद दोबारा से फिर रोहित शर्मा का नंबर आता है। यहाँ पे रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, काफ़ी तगड़ी टीम है, आपको पता है, आप सभी को जानते हो ऑस्ट्रेलिया कितनी खतरनाक टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे 158 गेंदों में 16 छक्के 12 चौके की मदद से 209 रन बनाए थे। आप यहाँ पे एक बात पे गौर करना कि 16 छक्के ज़्यादा हैं और चौके कम हैं, इसका मतलब यह है कि रोहित शर्मा छक्के मार सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर उनको जरूरत पड़ी तो। इसके बाद अगर और नीचे देखें तो दोबारा से फिर रोहित शर्मा का नंबर आ जाता है। यहाँ पे रोहित शर्मा ने 208 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, वो भी नाबाद, 12 छक्के और 13 चौके की मदद से 153 गेंदों में। उसके बाद नंबर आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 200 रन बनाए थे नाबाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 147 गेंदों में इन्होंने कारनामा करके दिखाया था। उसके बाद नंबर आता है चार्ल्स क्वेंटी का, इन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ 7 छक्के और 16 चौके की मदद से 156 गेंदों में 194 रन का एक विशाल स्कोर बनाया था, वो भी नाबाद। उसके बाद अंत में नंबर आता है शहीद अनवर का, जिन्होंने यहाँ पे भारत के खिलाफ 194 रन का एक विशाल स्कोर बनाया था 140 गेंदों में 5 छक्के 22 चौके की मदद से। और दोस्तों, ऐसी क्रिकेट वाली खबरें और देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। तो फिलहाल इस खबर में इतनी था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।